Now we are at Bird Park in Indoor Zoo. चलिए चलते हैं अंदर एंड एंजॉय करते हैं बर्ड्स. वी हैव श्वेता मैम विथ अस हु वुड बी गाइडिंग अस थ्रू दिस बर्ड पार्क इन इंडोर जू. तो ये ओपन एवरी है बर्ड के लिए. एवरी से मतलब होता है कि जहाँ पर आप पक्षियों को ओपन उड़ते हुए देख सकते हैं. तो यहाँ पर प्रेडोमिनेंटली यहाँ पर पैरट्स है और इसके अलावा मिक्स स्पीशीज एवरी है. तो इस यहाँ पर हमारे पास पैरट्स है, देन वी हैव डव्स, वी हैव कोनू फैमिलीज, वी हैव कॉकटूस एंड ऑल्सो वी हैव सम ग्राउंड बर्ड्स, क्वेल्स एंड पीजेंट्स. तो आप चलिए मैं आपको एक एक बर्ड दिखा. तो यहाँ पे हमें तो ऐसे एहसास हो रहा है एंट्री करते ही कि बर्ड्स और हम एक ही केज में हैं. जो भी चीज देखेंगे वो सब हमने स्पेशली लगाया गया है बर्ड्स के लिए ही है. जो भी है तो प्लांटेशन भी जितना है वो सब हमने खुद ने किया है और सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सबके अलग अलग वैल्यूज हैं. और इधर आप एक बर्ड देखेंगे जो फर्स्ट बर्ड है हमारा, तो इसे डायमंड डव कहा जाता है. डायमंड डव क्योंकि आप उसके फेदर पे डायमंड की तरह पैचेस देख सकते हैं. करेक्ट, एकदम बारीक बारीक स्पॉट्स है. बारीक बारीक स्पॉट्स है. इसमें जो वाइल्ड वॉल्फ होता है वो ब्राउन कलर में होता है, ब्राउनिश कलर में. और ये दुनिया का सबसे छोटा डव है. ओके, स्मॉलेस्ट डव ऑफ द वर्ल्ड. स्पॉट करना भी ऐसे डिफिकल्ट है थोड़ा. स्पॉट करना डिफिकल्ट है बिकॉज़ वी हैव सो मेनी फिंचेस. तो जो वो जो है वो डेंस में बिल्कुल छुप जाती है, तो उनको मे बी हम स्पॉट करेंगे. ओके, तो इधर जो आप बर्ड देखेंगे ये कॉकटील है. देयर यू कैन सी, ये कॉकटू फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनके सिर पर क्रेस्ट होता है. तो कॉकटू फैमिली की सबसे छोटी मेंबर है ये. और इसमें जो वाइल्ड कलर होता है वो ग्रे कलर होता है और जो क्रीम कलर आप क्रीमिश या वाइट कलर आप देख रहे हैं ये कैप्टिव ब्रीडिंग से आता है. कैप्टिव ब्रीडिंग से. एंड दिस आर द स्मॉलेस्ट कैकेटू. हाँ, और कैकेटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सर पर क्राउन होता है. हाँ, क्राउन होता है इस तरह से. ओके, इधर जो पैरेट है ये एक्लेक्टस पैरेट है एंड ये एक्लेक्टस मेल है. इसकी फीमेल जो होती है वो रेड कलर की होती है. इसका नाम यहाँ पर मजनू है. मजनू, मेबी वी कैन स्पॉट लेला. मजनू भाई आ जाओ. इज आवर मजनू भाई. मजनू भाई is very friendly. All birds are very friendly. But बस जहाँ तक आप खुद से उनको नहीं छेड़ पाते. बस खुद से अगर कोई छेड़ता है तो फिर उनको प्रॉब्लम. इधर जो बर्ड है ये डॉल्फिन कॉकटू है. ये अगेन कॉकटू फैमिली के बर्ड्स है. They are busy playing in themselves. Busy. अभी morning का time है तो अभी visitors भी कम है तो अभी अच्छे से खेल सकते हैं. अभी कोई छेड़ने वाला नहीं है उनको. Serious time वो खेलने में ज़्यादा ध्यान है उनका. यहाँ पर fish भी है हमारे पास. तो ये fish जो है ये mollies है. ये भी South American fish है. अच्छा, ये छोटे छोटे. सारी mollies है. और ये इनकी खासियत ये है कि ये लाइव बेबीज प्रोड्यूस करती है, अंडे नहीं देती. अच्छा, डायरेक्ट बच्चे देती. तो जो छोटी छोटी आप देखेंगे वो बेबी फिशेस है. ओके, तो ये भी बड़े होते कि इतने ही रहेंगे? अभी इतने ही रहते हैं इन साइज में. मे बी. अच्छा, दे आर हार्डली 1-1.5 सेंटीमीटर. इनको बहुत मजा आता है खेलने. आई कैन हियर देयर बिग बाइटिंग. ओके, इट्स ओके. सर पे चढ़ गए ये.
अच्छा दो थे? हाँ दोनों। थैंक यू। इधर जो आप देख रहे हैं ये जांडे कॉर्नर और सन कॉर्नर मिक्स है, ये कॉर्नर फैमिली से बर्ड्स हैं। और जो आप येलो कलर का इधर जो बर्ड देख रहे हैं उसे सन कॉर्नर कहा जाता है, वो जांडे कॉर्नर है। सन कॉर्नर वो है जिनको फेदर पे भी थोड़ा सा येलोइश कलर आप देखेंगे, और जांडे कॉर्नर जो पूरे ग्रीन कलर के फेदर हैं। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट दोनों ऑलमोस्ट म्यूटेशन है बस। और इसी में एक और म्यूटेशन भी है, दैट वन इज नांडे कॉर्नर और ब्लैक हुडेड पैरेट। ब्लैक हुडेड पैरेट, दैट वन। ओके, ये सारे सन कॉर्नर। शकल शकल भी जान दो। तो ये सब जो प्लांटेशंस है वो मतलब इनके हिसाब से प्लांट किए हुए हैं। तो ये सुपर नेपियर ग्रास है, ये नेस्टिंग मटेरियल के लिए यूज में आती है। और उसके अलावा जो सुपर नेपियर ग्रास है वो मॉइस्चर को बना के रखती है ओके नेचर में, तो इसीलिए भी वी है। तो यहाँ पे हर जगह फीडिंग स्टेशंस है ताकि सारे बर्ड्स को अलग अलग जगह पर खाना मिल जाए। और फीडिंग भी जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। अच्छा, एज पर द बर्ड्स। एज पर द बर्ड्स, तो वेदर के अकॉर्डिंगली इनको फीडिंग दी जाती है। तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर केयर लिया जाता है एज पर द सीजन, एज पर द टाइमिंग्स उनको फीडिंग किया जाता है। इधर आप जो देख रहे हैं सुबाबुल है, सुबाबुल कहते हैं। तो आपको हर जगह सुबाबुल दिखेंगे, इसमें काफी मिनरल्स वगैरह रहता है, तो इसीलिए ये। और ये बर्ड्स खाते हैं? बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स चबाते हैं। ओके, उनको मजा आता है। तो हम लोगों ने अभी मजनू भाई देखा था। हाँ। मजनू भाई से हम लोग मिले थे, तो उधर आप देख सकते हैं इकलेक्टस पैरेट की फीमेल भी है, वहाँ पर लैला भी है। ये जो पेड़ है यहाँ पर एस्पिरिन रिलीज करता है, तो हमारे बर्ड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है बिल्कुल इस पेड़ की वजह से। अच्छा, और तो इसमें काफी थोड़ा सा नशा भी होता है, तो बर्ड मस्त रहते हैं। इतने सारे पेड़ यहाँ पे, इसीलिए इसी में यहाँ पर सारे इतने सारे बर्ड्स हैं। ये जो बर्ड्स हैं हमारे ये बैक बेंचर्स है एक्चुअली, तो ये ऐसी जगह पे ज्यादा मिलेंगे आपको। ये सारे बर्ड्स अभी वो स्ट्रेस फ्री होने आए हैं यहाँ पे। और इनको बैक बेंचर्स इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत बार एस्केप हो जाते हैं। अच्छा, बट ट्रेनिंग इनको है इतनी अच्छी कि वो वापस हमने ले लिए, वापस आ जाते हैं। हाँ, वापस आ जाते। और बहुत ही शैतान है, अभी तो काफी शांति से बैठे हुए हैं, कभी भी दिन में दिन भर किसी के भी हाथ पे आ जाएंगे, किसी के भी सिर पे बैठ जाते हैं, लोगों को एकदम से डरा देते हैं। सही है, मतलब ये एक्टिव रहते हैं हमेशा। एक्टिव रहते हैं हमेशा दिन भर, ये बर्ड आपको दिन भर एक्टिव मिलेंगे। ओके, ये जो है वो मॉन्क्स है। हाँ, मॉन्क पैराकीट। ये मॉन्क पैराकीट है, साउथ अमेरिकन पैरेट अगेन। और ये क्लोते ऐसे पैरेट है जो अपना नेक फॉर्म करते हैं, वो नेस्टिंग मटेरियल लेकर गई, आपने देखा होगा शायद। ओके, वो नेस्ट के लिए मटेरियल लेके बन जा रहे हैं। दे नेस्टिंग ओवर देयर, नेस्ट बना रहे। क्योंकि हमारे पास पैरेट्स हैं, उनको खेलना बहुत पसंद होता है, तो हम लोगों ने उनके लिए इंगेजमेंट के लिए इस तरह के कुछ टॉयस वगैरह लगाए हैं। इधर आप देख सकते हैं, बट उसमें पिंचेस ने नेक्स बना लिया है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, ऐसे थाली में देना बहुत ही आसान है, ऐसे अगर हमने ट्रेज में स्टेशन पे देना वो ठीक है, बट हम लोग इस तरह से देते हैं, उसमें हम लोगों ने सीड छुपा कर रखे हुए हैं। और जितनी भी आप परचेज देख रहे हैं इसमें भी हम लोग सीड्स वगैरह छुपा देते हैं, ताकि बर्ड्स खेलते खेलते जब भी वो लकड़ियाँ तोड़ेंगे या उसमें उस घास को हटाएंगे बिखरेंगे, उनको सीड्स मिलता है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली बर्ड के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मेहनत के बाद उनको फल मिलता है। मेहनत के बाद फल मिलता है, तो वो उनके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाती है, हमारे लिए इंगेजमेंट हो जाता है और बर्ड खुश है। बहुत सारी छोटी बर्ड, उनको स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो क्या है, वो तीन जो बर्ड्स हैं, ये ट्राई कलर मुनिया है, इंडियन स्पीशीज है। अच्छा, काइंड ऑफ स्पैरोज।
हार्ड टू स्पॉट, मतलब अगर ये ब्राउन और ऐसे शेड में आ जाए तो दिखेंगे भी नहीं, कैमोफ्लेज हो जाती है बहुत ज्यादा। ये जो है ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट इसका भी नाम रखा है। हाँ, इसका नाम ग्रे ही रखा है। अच्छा, और इसका मेल है वो बड़ी है, वो कहीं ना कहीं उड़ रहा होगा, दिख नहीं रहा है। ओके, और वहाँ पे आप देखिए बर्ड्स फीड करते हुए कितने सारे एक साथ आ गए फीडिंग स्टेशन पे। गाला कॉकटू है। ओह, वी हैव अ न्यू मेंबर, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेट। ओह, हिज नेम इज फ्लैश। फ्लैश, ये फ्लैश, कैन आई टच यू? या यू कैन। ओह ओह, आ आ, यू आर बाइटिंग। How are you, mate? How is Australia? Oh, nice. वो खेलता रहेगा, उसको बहुत पसंद है। गंदा मत कर देना बस टी-शर्ट। नहीं नहीं, गंदा नहीं करेगा। So I'm enjoying experience with birds coming on the hand, shoulders. It's a nice experience. Now we have one more new member, Gray. Oh, he is enjoying his massage. हाँ, इसको बहुत पसंद है। ये बड़ी है। ये हर्ष लेना तेरे हाथ में दीदी देगी। अरे Gray? So this is Gray, and that was a buddy. Buddy. ले हर्ष, इसके इसका है ध्रुव, इसके हाथ में लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे और सब बड़े बर्ड्स के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये खिलाएगा इसको, दे दो। वो कंफर्टेबल होंगे ना तो अपने आप आ जाएंगे। दे लाइक पैम्परिंग। ग्रे 9 साल की है। अच्छा, और इस एवरी की सबसे बड़ी बर्ड है। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़े। हाँ, एज में, आप इधर एज वाइज देखते हैं इनको। ये पैरेट्स देख सकते हैं आप। ये सन कॉनर्स। सन कॉनर्स। कॉनर्स, हाँ। उधर आप फीजेंट देख सकते हैं, सिल्वर फीजेंट का मेल था वो। उसको भी आ गया, आ गया, बाहर आ गया। सिल्वर फीजेंट का मेल, अगेन चाइनीज बर्ड। ये व्हाइट ककेटू, गॉफिन्स ककेटू। गॉफिन्स ककेटू, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। हमने सिल्वर फीज, गोल्डन फीजेंट की फीमेल देखी थी, गोल्डन फीजेंट का मेल। अच्छा, ये नीचे मेल है। नीचे मेल। ये जो पीजेंट्स है वो सब ग्राउंड बर्ड्स है। ग्राउंड बर्ड्स है, फॉरेजिंग के लिए। ये जो स्मॉल वन इज जावा फिंच एंड एल्बिनो जावा फिंच, बोथ द म्यूटेशन। ये जावा फिंच है, इसको पैडी स्पैरो भी कहा जाता है। छोटी फिंच। सो दे आर ऑफ स्पैरो फैमिली। स्पैरो फैमिली। और ये ककेटू, ये मकाऊ है। मकाऊ, ओके। सो दिस मकाऊज आर फ्रॉम फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। दे आर थर्ड लार्जेस्ट पैरेट ऑफ द वर्ल्ड। और मकाऊ है, इसका नाम हमने मेघा और सारा रखा। हेलो सारा। हाउ आर यू? इसका बीक काफी बड़ा है कंपेयर टू अदर बर्ड्स, एंड इनका एज भी 60 इयर्स। 40 to 45। अभी ये दोनों 2 साल की हैं हमारी। अच्छा,
2 years old. इनकी जो फेस पर आप ब्लैक लाइनिंग देख रहे हैं वो सब बर्ड अलग होती है, तो ये बहुत यूनिक होती है हर बर्ड में, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग. हाउ आर यू? अच्छा, आप हर बर्ड में क्रीम देखेंगे तो उसमें उनका नंबरिंग होता है, उससे भी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल है ना? देखो सारा अली खान नहीं, ओनली सारा. बिग काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पर कॉकोनट लगाया है ताकि वो इसको अच्छा बड़ी भी हाँ, इस तरह से एक एक्सरसाइज हो जाए. एक्सरसाइज के लिए इनके लिए थोड़ा हार्ड रखा, थोड़ा हार्ड. हाँ, सेकेंड वन भी आ गए. आ जाओ. ओ, ये कुछ नहीं है. अब क्या खाते हो? फ्रूट्स? फ्रूट्स, नट्स, सीड्स. इनको अखरोट बहुत पसंद है वैसे. अच्छा, अखरोट. दे लव नट्स और फ्रूट्स. नट्स, हाँ. हार्ड जो नट्स होते हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं. छिलका निकाल देते हैं ऊपर से. You can see this birds enjoying our company. So now we would be feeding them walnut. और ये पूरा वॉलनट, ये पूरा खोल देते हैं. ये देखो, अब आप देखिए वो किस तरह से उनको खोलेंगे, किस तरह से एंजॉय करेंगे. देखो, इसने तो ओपन भी कर लिया वॉलनट. अब वो वॉलनट खा रहे हैं. हमें यहाँ से देखने पे पता चल रहा है दे आर वेरी स्मार्ट. उन्होंने एक ऊपर से क्रैक भी कर लिया वॉलनट को, एंड अभी वॉलनट को अंदर रोटेट कर रहे हैं बीक के अंदर और उसको ब्रेक कर रहे हैं. सो दे आर स्मार्ट बर्ड्स. भी उसने भी करेक्ट, जैसे हम चाय का कप पकड़ते. और उसने भी खोल लिया है. दे एंजॉय हैविंग वॉलनट. मस्त खा रहे एकदम. बहुत सारे सिबलिंग्स और सारा में भी बड़ी सिबलिंग्स है, उसमें बड़ी बहन है. अच्छा. इसीलिए उसने पहले खोल लिया. हम लोग देख सकते हैं, हम देख सकते हैं बर्ड्स काफ़ी फ्रेंडली हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पर. बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे आए इंजॉय करें, बर्ड्स को छेड़े ना. लेट देम बी कम्फर्टेबल विथ यू. उनको अपने पास आने दे, उनको परेशान ना करे. Within a span of 1-1.5 minutes, almost 60% of अखरोट खा चुके हैं. खा चुकी है. Yes. उसने ऊपर का कवर निकाल दिया, नीचे का एज अ बेस पकड़ के रखा है उसने, और उसके अंदर से चोंच डाल के खा रहे ताकि वो नीचे ना गिर जाए. दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब इतना दिमाग और ये सब से. ये है करण अर्जुन. ये है करण अर्जुन, हमारे करण अर्जुन आ गए.
हमारे करण अर्जुन आ गए। ये दोनों सिब्लिंग्स हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये दे आर जस्ट 7 मंथ्स ओल्ड। दिस इज सिल्वर पिजन। सिल्वर पिजन के फीमेल। फीमेल। हम लोगों ने मेल देखा था काफी खूबसूरत। करेक्ट। और ये फीमेल है। चाइनीज ब्रीड। अगेन अ चाइनीज ब्रीड। दिस आर सिल्वर बिल अ स्पैरो फैमिली। स्पैरो फैमिली। अच्छा वो ऊपर व्हाइट में है वो एशियन कॉलर डव है और ये सब कलरफुल है वो बजरी बर्ड्स। इट वॉज अ नाइस गाइडेड टूर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू हैव एंड थैंक यू फॉर योर गाइड एंड नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर विजिट। तो ये हमारी छोटी सी दुनिया है। आई होप यू लाइक इट। यस वेरी मच, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ।